मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सबको जय मसीह की। मेरे दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में दुख, चिंताएं, समस्याएं, आप कोई भी कार्य सोचते हैं, आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज हम प्रभु के वचनों को लेकर आए हैं। अगर आप अपने जीवन में प्रभु के इन वचनों पर चलेंगे, प्रभु के इन आज्ञाओं को मानेंगे, तो आप अपने जीवन में कोई भी कार्य हो, आप सफलता हासिल करेंगे उस कार्य में। आपके हर एक दुख, हर एक चिंताएं प्रभु यीशु के नाम से चले जाएंगे, अगर आप उन वचनों पर चलेंगे, उन आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और प्रभु के इन वचनों को समझिए और अपने जीवन में इन वचनों को लागू करिए। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम वचन निकालते हैं संत यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 4 से लेकर हम 8 तक पढ़ेंगे। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी फल नहीं सकते। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु हमें एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि यदि एक टहनी पेड़ में बनी ना रहे तो उसमें फल लग नहीं सकती, उसमें फल कभी आ नहीं सकता। उसी प्रकार जब हम वचन 5 में पढ़ते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रभु यीशु ही एक पेड़ है और हम लोग उसकी टहनियाँ हैं, डालियाँ हैं। यदि हम प्रभु यीशु के वचनों में, प्रभु में बने रहें, तो हम फलेंगे और बहुत फल लाएंगे। प्रभु यीशु हमें बता रहे हैं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर, यदि हम प्रभु से अलग रहेंगे, प्रभु से अलग रहेंगे, उसके वचनों में नहीं चलेंगे, उसके मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो हम अपने जीवन में कोई भी फल ला नहीं सकते। आगे जब हम वचन पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है, लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि एक डाली पेड़ में बनी ना रहे, वो नीचे कट के पड़ी रहे, तो लोग क्या करते हैं, उसे उठाकर आग में झोंक देते हैं, चूल्हे में जला देते हैं। उसी प्रकार यदि हम प्रभु के वचनों पर नहीं चले, उसकी आज्ञाओं को नहीं माने, तो हम जो भी कार्य सोचेंगे वो हमारा हर एक कार्य असफल होगा। लोग हमें इधर से टॉर्चर करेंगे, इधर से भला बुरा कहेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, प्रभु आगे कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु क्या कहते हैं, यदि हम प्रभु की शिक्षाओं में बने रहें, प्रभु यीशु की आज्ञाओं को माने, कोई भी पाप नहीं करें, कोई भी अपराध नहीं करें, तो हम बहुत सारे फल लाएंगे। हम जो प्रभु से मांगेंगे प्रभु हमें देगा। हमारे घर में कोई चिंताएं नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई समस्याएं नहीं होगा, और हमारे जीवन में केवल सक्सेस ही सक्सेस होगा, और हम जो भी कार्य सोचेंगे हमारा हर एक कार्य सफल होगा। यदि हम प्रभु में बने ना रहें, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, तो हमारे जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। अगर आप प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, तो आप अपने जीवन में एक सफलता देखेंगे, एक नई ऊंचाई देखेंगे। प्रभु आपको हर एक बड़ी बड़ी ऊंचाइयां आपको दिखाएगा, बड़ी बड़ी सफलताएं आपके जीवन में देगा। प्रभु यीशु भी यही चाहता है कि आप अपने जीवन में सफल हो, प्रभु की आज्ञाओं पर चले, प्रभु आपको सफल करेगा। इससे पिता परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। यदि हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं तो हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें मिलता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप प्रभु की आज्ञाओं पर, प्रभु के वचनों पर चले। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबको जय मसीह की।